नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बीपीएससी ने साल के शुरुआत में ही परीक्षा का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जिसमें TRE 3.0 भी लिया जाएगा। तो एक बार फिर से बिहार में शिक्षकों की जो है बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति ली जाएगी। और इस खबर में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, आखिर कितने पदों के लिए जो है नियुक्ति ली जाएगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत के साथ ही बीपीएससी ने अपना परीक्षा का कैलेंडर जो है वो जारी किया है, जिसमें 40,506 पद जो हैं वो प्रधान शिक्षक के लिए, और परीक्षा का डेट भी बताया गया है कि आखिर किस महीने में परीक्षा लिया जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, और इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो दे दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने नए साल के पहले दिन सोमवार को इस वर्ष आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया। जारी कैलेंडर के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3.0 24 अगस्त को आयोजित की जाएगी, वहीं इसका रिजल्ट जो है वो 24 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी ने कैलेंडर के माध्यम से बताया है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अब हर साल 24 अगस्त को आयोजित की जाएगी। वहीं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण में कितने पदों पर भर्ती होगी इस बात की जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इस वर्ष 40,506 प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगा। हालांकि परीक्षा की तिथि अभी तय नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 24 अगस्त को आयोजित की जाएगी और 24 सितंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि अतुल प्रसाद ने भी कहा था, शिक्षा विभाग IAS KK पाठक ने भी कहा था कि अब हर साल शिक्षकों की जो है बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति कराई जाएगी, ताकि बिहार में जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वो पूरा हो सके। और इसी को लेकर नए साल की शुरुआत दिन ही बीपीएससी के द्वारा इसका कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें TRE 3.0 का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि इसी के साथ बीपीएससी ने और तमाम जो परीक्षाएं ली जाती हैं उसकी भी डिटेल और उसके भी डेट को जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से जो और परीक्षाएं होगी वो कौन सी है, 30 सितंबर को इंटीग्रेटेड CCE का एग्जाम होगा, वहीं और एग्जाम जो है वो सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियर के 981 पद पे जो है वो नियुक्ति लिया जाएगा। 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का इंटरव्यू जो है वो 8 जनवरी से 15 जनवरी के बीच लिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों का कैलेंडर जो है बीपीएससी ने जारी कर दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें तो इस साल भी शिक्षकों की नियुक्ति ली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अब तक की एग्जाम में यानी कि TRE 1 में और TRE 2 में जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके लिए एक और मौका आ चुका है। जो आपको बता दें कि TRE 3.0 लिया जाएगा, इस साल लिया जाएगा और इसका डेट भी जारी किया गया है। तो वैसे अभ्यर्थी जो अब तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं टीचर के लिए, उनके लिए एक और मौका, बेहतर मौका, सुनहरा मौका जो है वो आ चुका है। 40,506 पदों पर जो है नियुक्ति ली जाएगी। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।